viewers, I'm Shukla Chaudhary and welcome to my channel. Today we are at Nainital, you can see. और आज हम करेंगे नैनीताल की सैर. नैनीताल तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, पर नैनीताल आकर कोई ताल की सैर ना करे, मेरा मतलब है कि नैनीताल की सैर ना करे तो एक विशेष अनुभूति से वंचित रह जाते हैं. तो आज मैं लेने वाली हूँ थोड़ी देर में वो अनुभूति और शेयर करने वाली हूँ आप सबसे. और आप सबसे गुजारिश है कि आप भी आए और करें नैनीताल की सैर. तो मिलते हैं नैनीताल में. हाय, तो आज हम आ गए हैं नैनीताल के बिल्कुल किनारे और अब इंतजार कर रहे हैं हमारे बोट का. यहाँ पे जो बूथ काउंटर है वहाँ से टिकट लेना है और टिकट लेके आपको वेट करना है जो नंबर आपको दिया गया है उस बोट का. तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने टिकट ले लिया है और जैसे ही बोट लगेगी हम उस पे बैठ के नैनीताल की सैर का आनंद लेंगे और आपके साथ भी उसे शेयर करेंगे. चलिए. जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं. जो डगर तेरे द्वार पे जाती न हो उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं. जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ. ऐसे तो कम ही लोग होंगे ना जो नैनीताल की सैर करे और 1971 की सुपरहिट फिल्म का ये गीत ना गुनगुनाए, जो कि फिल्माया गया था उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख जी पर. वैसे तो ताल की सैर करते हुए नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आप जिस तरफ भी नजर घुमाएंगे आपको हिंदी फिल्मों के शूटिंग स्पॉट नजर आ जाएंगे. आखिरकार इतने फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है, क्या हिंदी फिल्म क्या क्षेत्रीय फिल्म. अभी मैं देख रही थी कि कुछ तो विदेशी फिल्मों के हॉलीवुड फिल्मों की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है. खैर मुझे, मैं ज़्यादा फिल्म तो देखती नहीं हूँ, पर मुझे जो याद आ रहा है वो ये कि, और बोटमैन ने भी बताया कि यहीं पे कोई मिल गया जैसे सुपरहिट फिल्म का भी शूटिंग हुआ था. फिर विवाह नामक एक फिल्म आई थी, बाज, सिर्फ तुम, गुमराह और मासूम. मासूम बहुत हिट फिल्म रही एक ज़माने में, उसकी शूटिंग हुई थी. परंतु इस ताल को मशहूर बनाने में राजेश खन्ना जी का और आशा पारेख जी का बहुत हाथ है. और उनके उस मशहूर गीत का जो कि मैंने अभी गाया, गाने की कोशिश की मतलब, तो उस गीत का भी बहुत हाथ रहा है. कट्टी पतंग फिल्म का वो गीत था. और ऐसे सुंदर जगह पे आप आए और मन गुनगुनाए तो बहुत अचरज की बात है. चारों तरफ ऊंची ऊंची हिमालय की पहाड़ियाँ और बीच में ये स्वच्छ निर्मल ताल और उसमें तैरती मछलियाँ, पक्षियाँ, हंस आपको एक अलग ही अनुभूति का एहसास करवाती है. उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का जो ये हिल स्टेशन है वाकई अपने आप में बिल्कुल अनूठा और अनोखा है. जैसा कि आप जानते हो दर्शकों, मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन्स भी देती चलूँ, कुछ जानकारियाँ भी देती चलूँ, कुछ हटके भी आपको बताऊँ. तो वैसे तो आप सब ये जानते ही हैं कि नैनीताल जो है भारत का एक मशहूर हिल स्टेशन है, ये उत्तराखंड में है. और ये जो नैनीताल है ना, ये हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है और समुद्र तल से नैनीताल की कुल ऊंचाई लगभग 1938 मीटर है. और नैनीताल की घाटी में नाशपति के आकार की ये जो झील है ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है. और यहाँ इसकी कुल परिधि लगभग 2 मील है. मान्यता ये है कि इस स्थान पर सती की बाई आंखें यानी नैन गिरी थी,
जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप लिया और इस झील का नाम नैनीताल पड़ा। इस तालाब के उत्तरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, वहाँ से भी आप बोटिंग के लिए आ सकते हैं। इस झील की गहराई 27 मीटर है और ये 7 पहाड़ियों से घिरी है। स्कंद पुराण में इसे ऋषि सरोवर भी कहा जाता था। नैनीताल इतना प्राचीन है कि ये तो ईसा मसीह से भी पुराना है। और जब ब्रिटिश भारत में आए तो पीटर बैरन ने इसे खोज निकाला था। तो यहाँ से हम चलेंगे ठंडी सड़क होते हुए पाषाण देवी मंदिर। नैनीताल की पहाड़ी पर बसा है ये पाषाण देवी मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ आते ही त्वचा की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अत्यंत मनोरम और भावपूर्ण है ये मंदिर। लेक से भी ये मंदिर दिखता है, आपने देखा भी होगा। और संपूर्ण मंदिर पत्थर से बना है, यहाँ तक कि देवी की मूर्ति भी यहाँ पत्थर से बनी है और शायद इसीलिए नाम है पाषाण देवी मंदिर। यहाँ देवी का नव दुर्गा रूप की पूजा होती है। ये मंदिर बहुत ही जागृत है और देवी के प्राचीन मंदिरों में से एक है। और अब इस मंदिर के दर्शन के साथ ही मैं अपना ये वीडियो आज समाप्त करती हूँ। माता रानी आप सबको अपने छत्र छाया में रखे। जय माता दी।